मैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसे 21 जून को मनाया जाता है को ध्यान में रखते हुए मैंने एक विषय चुना है। इस विषय का शीर्षक है कोरोना की रोकथाम, योग और पोषण एक सकारात्मक विकल्प। हम सभी जानते हैं कि परम सुख निरोगी काया होता है। अगर निरोगी काया और स्वस्थ काया रखना है तो जीवन शैली को बड़ा अनुशासित ढंग से रखना है और खान पान को बड़ा सही रखना है। ये दो मंत्र सही जीवन शैली और सही पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हो रही है, ये बड़े दुख की बात है कि कोरोना महामारी के मध्य मनाया जा रहा है। हम सभी कोरोना जैसे महामारी के विषय में जानते हैं और इसके दुष्प्रभाव को बहुत ही अच्छी तरह देखा है और जाना है। दूसरी लहर में लाखों लोग मारे गए थे और अब कल्पना की जा रही कि तीसरी लहर भी आएगी जिसमें खासकर बच्चे इससे प्रभावित होंगे। आज तक इसकी दवा का आविष्कार नहीं हुआ है, तो मात्र एक माँ उपाय टीकाकरण ही है। अतः यह जरूरी है, यह लोकप्रिय बनाना है, भ्रम दूर करना है कि टीका के कुछ दुष्परिणाम होते हैं और हमें अगर बीमारी से बचना है तो टीका लेना है। मैं सही जीवन शैली के बारे में बात करना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत सारी इसकी विधाएं हैं सही जीवन शैली की, लेकिन मैं इसकी शुरुआत योग से करना चाहूँगा। योग का अर्थ होता है जोड़ना, यानी व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर मन और भावनाओं को संतुलित तथा सामंजस्य स्थापित करता है। यह योग कहलाता है और यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। योग की शुरुआत या उत्पत्ति कहा जाए तो यह भारतवर्ष में आज से 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेष में बहुत सारे योग संबंधी मूर्तियां मिली, खासकर शिव और पार्वती के। अतः शिव को कहा जाता है परम पिता योग के और पार्वती जी को कहा जाता है इस शक्ति की यह माता है। इस योग को अगर एक पाठ्यक्रम में लाने का अगर किसी ने प्रयास किया या विभिन्न पहलुओं को जो संग्रहण किया है, इसका श्रेय जाता है हमारे महर्षि पतंजलि जी को। इन्होंने अष्टांग योग लिखा। इस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जैसे प्रमुख शीर्षक हैं जिस पर बड़ा विस्तार से बात किया जाता है। आज के दिन में अगर इसको किसी ने लोकप्रिय बनाया है तो इसका श्रेय स्वामी जी को जाता, रामदेव बाबा जी। योग का नियमित प्रयास कहा जाता है यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और रोग नाशक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे हम विभिन्न तरह के बीमारियों से बच सकते हैं। मैं योग के विधि विभिन्न प्रकार पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ प्राणायाम पर बोलना चाहूँगा। प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण यानी श्वास अर्थात ऑक्सीजन, आयाम यानी नियंत्रण। इस प्राणायाम में चार पहलू हैं, पूरक, रेचक, अंतर कुंभक तथा बहिर्कुंभक। कहते हैं कि जो जीव जल्दी जल्दी सांस लेता है वह अल्पायु होता है, जो जीव धीरे धीरे सांस लेता है वह दीर्घायु होता है। तो दीर्घायु के बहुत सारे उदाहरण हैं, कछुआ, जिगर और हाथी, और अल्पायु के हैं कुत्ता, बिल्ली और पक्षियां इत्यादि। कहते हैं कि हम प्रति मिनट 15 बार श्वास लेते हैं और प्रतिदिन अगर इसे दिन आ जाए तो 21,600 बार श्वसन लेते हैं। अंत में मैं
चक्र के विषय में कहना चाहूँगा। हमारे मेरुदंड में 7 चक्र होते हैं और यह 7 चक्र हमारे मस्तिष्क नाड़ी और नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हैं। चक्र प्राण शक्ति का केंद्र है। यह एक स्विच की भांति होता है और मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हालांकि योग का प्रचार प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है, लेकिन 2 क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, शारीरिक और मानसिक चिकित्सा। इसे योग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी गई हैं। अब दूसरा पक्ष जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, वह है पौष्टिक आहार पोषण या हेल्दी डाइट। यूं तो भोजन हमें पोषक आहार, ताकत, ऊर्जा, फूर्ति, रोग निरोधक क्षमता तथा मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। भोजन पोषण में अंतर है। संतुलित भोजन जिसमें पौष्टिक आहार हो और जिसमें नियमित दिनचर्या के अनुसार मौसम और ऋतु को ध्यान में रखते हुए खाया जाए, वह पोषण या हेल्दी डाइट कहलाता है। शरीर को रोजाना 1200 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। आज से कई 100 वर्ष पूर्व हिप्पोक्रेटिस, जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहे जाते हैं, उन्होंने फूड के बारे में कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। यूं तो एक फॉर्मूला दिया गया है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कहा गया कि आधा पेट भोजन करो, 1/4 पानी पियो और 1/4 पेट को खाली रखो। अगर यह चीज को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। पौष्टिक आहार का मतलब जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स तथा आवश्यक अमीनो एसिड्स हो। समय के अभाव को देखते हुए सिर्फ मैं 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिसे अक्सर विभिन्न संबोधनों में शामिल नहीं किया जाता, वसा, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक और मशरूम। हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट के बाद वसा का स्थान आता है। वसा यानी तेल के द्वारा ही सारे तरह के भोजन बनते हैं, अतः जिस तेल का प्रयोग करता है यह हमारे लिए हानिकारक ज़्यादातर होता है। अतः ध्यान में रखना है कि हम ऐसे तेल का प्रयोग करें जो हानिकारक नहीं हो। यूँ तेल यानी फैट, वसा, यह कहते हैं इट इज़ ए ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिल फैट बनाता है। फैट 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स डबल बॉन्ड होता है और यह फायदेमंद होता है। खासकर इसके 2 प्रमुख प्रकार हैं, पूफा और मूफा। पूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा का अर्थ होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये पूफा और मूफा जैसे फैट्स हमारे वजन घटाता है, हृदय की बीमारियों को कम करता है तथा शुगर को भी कंट्रोल करता है तथा रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। हमारे शरीर में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ तो बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया फ्रेंडली होते हैं। हमारे गट्स में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ज़्यादातर वह पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। वह विभिन्न तरह कीटाणुओं को मारते हैं या बैक्टीरिया को मारते हैं और हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मुख्यतः प्रोबायोटिक्स के उदाहरण लैक्टोबैसिलस है, बायोफिडोबैक्टीरियम है और सैक्रोमाइसिस हैं। ऐसे और सारे बैक्टीरिया हैं। यह प्रोबायोटिक्स जो हमें पाचन में सहायता करता है और अन्य क्षेत्रों में सहायता करता है, कोकोनट वाटर, ग्वावा, पॉमग्रेनेट, दही, योगर्ट इत्यादि में पाए जाते हैं, अतः इनका प्रयोग करना प्रचुर मात्रा में जरूरी है। दूसरा प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स कहते हैं यह फाइबर का एक फॉर्म है। जो हम भोजन लेते हैं वह फाइबर हमारे गट्स में होते हैं और इस गट्स में इस फाइबर को बैक्टीरिया
भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः प्रीबायोटिक्स भोजन में फाइबर का होना जरूरी है, जैसे एवोकैडो, गार्लिक, ओनियन, बनाना, ओट, एप्पल्स। ये जो फाइबर इसमें होते हैं वह फ्रेंडली बैक्टीरिया को भोजन प्रदान करता है और हमारा प्रोबायोटिक्स है उसकी संख्या बढ़ती है और हम स्वस्थ और स्वस्थ होते हैं। तीसरा भोज्य पदार्थ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वह मशरूम है। हम सभी जानते हैं कि मशरूम एक फंजाई होता है, यह खाने की एक वस्तु है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे भोज्य पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो अतः मैं कहना चाहूँगा कि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, अतः विशेषकर यह जो शाकाहारी है उनमें अगर प्रोटीन की आपूर्ति अगर कोई कुछ कर सकता है तो यह मशरूम ही प्रोटीन भरपूर मात्रा में दे सकता है। मैं यहाँ वैसे मशरूम की बात करना चाहूँगा जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, जो हमारी इम्यून शक्ति को बढ़ाता है। इसमें मुख्यतः गाइनोडर्मा, ल्यूसिडम, फोमिंटोप्सिस, पेनिकोला, टर्माइटिस, वर्सिकलर, हेरिसियम, एबीटिस, ग्राइफोला, फोंटोसा, लेंटी, न्यूला, इलोडिस इत्यादि हैं। यह भोजन प्रोटीन्स तो देते ही हैं, साथ साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, जैसे टी सेल, बी सेल, साइगोसाइट, साइटोकाइंस इत्यादि इनके द्वारा मिलता है और हमारी इम्यून शक्ति बढ़ती है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मैं बहुत ही बहुत हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे कहना चाहूँगा और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।